मैं आज आपके सामने एक बुद्धिमान ब्राह्मण की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो कि बहुत विद्वान था तथा आसपास के गांव में उसकी विद्वता के चर्चे थे। सभी लोग कहते थे कि यदि बुद्धराम पंडित के पास जाओगे बहुत अच्छी बातें बताएगा। बहुत ही सुलझा हुआ बुद्धिमान आदमी है, आज तक उस जैसा कोई नहीं है। जो भी कुछ हो बताएगा, सत्य बताएगा, कोई भी झूठ फरेब वाली बात उसमें नहीं होगी। उसका पुत्र भी था जिसे लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन कहते हैं ना कि तुखम तासीर और शोक दे असर कहीं नहीं जाता। जैसे खानदान में बच्चा पैदा होगा उसकी तासीर बुद्धिमता वैसी जरूर होगी, चाहे लोग उसे मूर्ख ही क्यों न कहें, लेकिन उसकी बुद्धिमता का परिचय वो खुद एक दिन दे ही देता है। और लोग कहते हैं कि ऐसे खानदान से है कि बुद्धिमान तो होना ही था। इसी के ऊपर मैं एक बुद्धिमान ब्राह्मण की कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब बुद्धराम का जो कुशल होने का परिचय था वो सब जगह ख्याति कर रहा था। सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे कि पंडित बुद्धराम जैसा तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं। पहले समय में राजे महाराजाओं का समय था, राजा के कानों में भी ये बात पड़ी कि तेरी नगरी के अंदर बुद्धराम नाम का ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान है, क्यों न उससे तर्क वितर्क हो जाए, क्यों न उसकी विद्वता का परिचय लिया जाए। अब राजा ने अपने नौकर को भेजा और बुद्धराम को बुलावा दिया कि बुद्धराम तुझे राज दरबार में हाजिर होना है और अपने तर्क वितर्क से राजा को बताना है कि तू कितना बुद्धिमान है। अब बुद्धराम को राजा का अलकारा बुलाता है तो बुद्धराम जो भी समय दिया जाता है उस समय पे राजा के दरबार में हाजिर हो जाता है। वहाँ मंत्री संतरी सभी बैठे हुए होते हैं, सिंहासन पर राजा विराजमान होता है। उसके मंत्रियों ने उसकी विद्वता की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो अपने तर्क वितर्क में इतना तेज था कि हमेशा ही उसकी बातें ऊपर रही तथा वो जीतता रहा। राजा ने देखा कि वाकई में बुद्धराम तेज है, बुद्धिमान है, वाद विवाद में किसी से कम नहीं है। लेकिन ये सब होने के बावजूद राजा हंसा, उसके मंत्री भी हंसने लगे, कहने लगा बुद्धराम तू तो बहुत तेज है, लेकिन कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन तेरे साथ ऐसा नहीं है। तेरा बेटा तो बहुत बुद्धू है, मैं प्रतिदिन उसके स्कूल के बाहर राज दरबार लगाता हूँ छोटा सा, और कहता हूँ कि बताओ सोने की असरफी महंगी है या चांदी की। वो प्रतिदिन चांदी की असरफी बताता है, लोग उस पर हंसते हैं,
मुझे भी गुस्सा आता है कि बुद्ध राम बुद्धिमान आदमी है, लेकिन उसके यहाँ तो मूर्ख लड़का पैदा हुआ है। जब भी पूछता हूँ, चांदी को महंगी बताता है और एक असरफी लेकर चला जाता है। सभी दरबारी भी हंसने लगे, ब्राह्मण का भी सिर नीचे हो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो लड़के को इतना मूर्ख नहीं बनाया था जितनी मूर्खता वो कर रहा है। अब ब्राह्मण अपनी दान दक्षिणा लेकर राज दरबार से अपने घर आ जाता है और चिंता में बैठ जाता है कि लड़के ने तो मेरी करी कराई पे पानी फेर दिया। लोग मेरे से तर्क वितर्क करने में, वाद विवाद करने से डरते हैं कि जितना तो बुद्ध राम ब्राह्मण ने ही है, लेकिन लड़के ने तो मूर्ख बनकर मेरी मिट्टी पलीत कर दी। अब बुद्ध राम अपने लड़के को बुलाता है और कहता है कि बताओ, सोना महंगा है या चांदी? अब लड़का समझ जाता है कि पिताजी अवश्य ही राज दरबार में गए हैं और तभी इन्हें पता चला। वो कहता है, पिताजी सोना महंगा होता है, चांदी सस्ती होती है। वो उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तूने वहां क्यों मूर्खता दिखाई, मेरी बेइज्जती करवा दी राज दरबार में, कि इसका लड़का बहुत मूर्ख है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पिताजी मैं मूर्ख नहीं हूं, तो आपका ही बेटा, मैं आपकी कैसे लजा सकता हूं आपको? आपने बुद्धिमता में अपना परचम लहराया है तो मैं आपकी बुद्धिमता को कैसे जाने देता। बोले, फिर क्या बात है? लड़का अपने पिता का हाथ पकड़ के अंदर लेके आ जाता है और एक मटका निकालता है, उसमें इतनी चांदी की असरफियां हैं कि मटका भरने वाला होता है। लड़का कहता है, पिताजी यदि मैं पहले ही दिन सोने को महंगा बताता और चांदी को सस्ती बताता तो राजा मुझे एक असरफी सोने की देता और उसके बाद कभी मेरे से प्रश्न नहीं पूछता। अब राजा हर रोज मेरे से प्रश्न पूछता है और मैं चांदी को महंगी बताता हूँ, रोज चांदी की एक असरफी देता है। ये देखो, चांदी की असरफियों से मटका भर गया है, क्या एक असरफी के बदले इतनी चांदी की असरफी आ सकती हैं? ब्राह्मण गदगद हो गया और उसने अपने लड़के की बुद्धिमता पर नाज किया। ये होती है कि तुखम तासीर सोब दे असर, यदि जो खानदान की तासीर होगी वो जरूर आएगी और संगत का असर भी जरूर पड़ेगा। ये थी मेरी एक बुद्धिमान ब्राह्मण की कहानी। जय हिंद।